समाजी रहनुमा रेहम खान ने कसूर में कत्ल होने वाली 7 साला जैनब के घर उनके वालिदैन से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेहम खान ने दरख्वास्त की कि उस वाक़े को सियासी रंग मत दिया जाए, सियासी लीडरान बच्चों से जिंसी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए यकजहती दिखाएं। रेहम खान ने बच्चों पर जिंसी तशद्दुद के हवाले से मीडिया कवरेज को सराहा। साथ ही उनका कहना था कि निहायत अफसोस की बात है कि हमें बार बार अपने बच्चों की लाशें उठाना पड़ रही हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जितनी तेजी से ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है, इस केस की तहकीकात में भी तेजी दिखाएं। चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी अपील करना चाहती हूँ कि जितनी बर्क रफ्तारी से आपने ऑरेंज लाइन बनाई है, आप उतनी ही तेज रफ्तारी ज़ैनब अंसारी की केस को रिजॉल्व करने में दिखाएं। आप अपनी गुड गवर्नेंस की मिसाल देते हैं और बाकी सूबा जात में हम कहते हैं कि पंजाब की तरफ देखें, सीएम पंजाब की परफॉर्मेंस की तरफ देखें। सीएम पंजाब से दरखास्त है कि यहाँ रोल मॉडल बिहेवियर दिखाएं। कसूर में सर्जिकल स्ट्राइक करके मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि कसूर का शुमार जराइम के अतबार से 10 सरे फहरिस्त अजला में होता है और यहाँ बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात तसलसल से हो रहे हैं। रेहम खान ने पंजाब के बजट में से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद का कहना था कि ज़ैनब के केस पर बहुत से लोग सियासत कर रहे हैं। मकतूला के वालिद मोहम्मद अमीन ने कहा कि हमारे नाम पर सियासत ना की जाए। जीआईटी के सरबराह पर मुतासरीन के तफुजात सुनते ही सरबराह तब्दील कर दिया गया। मुजाहिरों में शहर के लोग नहीं थे, बाहर के लोगों ने कसूर के अमन अमान की सूरत हाल खराब की, उसके भी तहकीकात होंगी। पूरा शहर एक बात कह रहा था और मैं मीडिया का इस पे खास तौर पर मैं कहूँगा कि वो जो फुटेजेस आपने बनाए उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर शहर के लोग तो आपको नजर ही नहीं आ रहे, शहर तो अमन चाहता है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन सब इदारों को भी अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। अदलिया का काम डेडलाइन देना नहीं होता, ना अदलिया किसी को लाडला बनाती है। अगर अदालतें लाडला बनाएंगी तो फिर जवाब भी देना होगा। हर काम पर 100 मोटो लेने वाली अदलिया माल रोड पर दफा 144 के बावजूद एहतजाज की कॉल देने पर भी 100 मोटो ले। जहांगीर तरीन ने जो बात की उनके पास कुछ नहीं है। कभी मौलवी का सहारा लेते हैं, कभी शेख रशीद का सहारा लेते हैं। इमरान खान पर तरस आता है, तब्दीली का नारा खत्म हो गया। सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास ने पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास कहती हैं, कई बरस तक शहबाज शरीफ और उनके वजीरों ने पंजाब में बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर आंखें बंद किए रखी। कैंप ऑफिस खत्म होने के बावजूद 2700 पुलिस एहलकार और अफसरान जाती उमरा महल पर लगाए गए हैं। वजीर आला ने कसूर में पुरान मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वाले डीपीओ को ओएसडी बनाकर तहफ्फुज़ फराहम किया। मॉडल टाउन के बाद सानिहा कसूर की जिम्मेदारी बराह रास्त वजीर आला पर आयद होती है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्ला के इस्तीफों से कम कुछ भी काबिले कबूल नहीं। अपने एक बयान में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को फाटा तक तोसी देने का अमल कबायली इलाकों में इस्लाहात के सिलसिले में पहला कदम है। कौमी असम्बली से बिल का पास होना फाटा के आवाम के लिए एक तारीखी कदम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 70 साल से कबायली अवाम को जो हुकूक ना मिल सके वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उन्हें दे दिए। बिल की मंजूरी से फाटा में गुज़श्ता कई दिहाइयों से राइज एफसीआर का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बिल की मंजूरी से कबायली अवाम कौमी धारे में शामिल होंगे और पाकिस्तान मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब करते हुए कहा के इजलास का मकसद अदालती असलाहत की मुहिम को तेज करना है। अगर मातहत अदालतों में मुकदमात का फैसला बरवक्त होगा तो आला अदालतों से मुकदमात का बोझ भी कम होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि हमें सोचना होगा कि मौजूदा निजाम दुरुस्त है या नहीं। फौजदारी मुकदमात का भी यही हाल है। 8 साल बाद पता चलता है कि मुकदमा झूठा था, क्या जेल में गुजारा हुआ वक्त वापस आ सकता है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अदलिया की मजबूरी ये है कि हम कानून साजी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करे। यहाँ अब तक 1892 का कानून राइज है, कई कवानीन तो 1860 में बने थे, क्या उस वक्त का कानून मौजूदा सूरत हाल में काबिले अमल है।
उन्होंने कहा कि एक सिविल जज को एक मुकदमे के लिए 2 मिनट 24 सेकंड मिलते हैं। क्या मुमकिन है कि इतने मुख्तसर वक्त में मुकदमात को निपटाया जा सके? मियां साकिब निसार का कहना था कि मुकदमात की ताखीर का इल्जाम जजेस पर लगाया जाता है। इल्जाम को तस्लीम करते हुए पूछते हैं, कौन कसूरवार है? जज कसूरवार है या मौजूदा निजाम? उनका कहना था कि अदलिया को सहूलियात फराहम करें, काम ना हो तो एहतसाब करें। तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की कोताही से मुल्जिम बरी हो जाता है। सिर्फ पंजाब में मियारी फ्रांसिक लेबोरेटरी नजर आई है। इजलास में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी मौजूद थे। अब्दुल कुदूस बजिंजो बलोचिस्तान के जिला अवरान में 1947 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अवरान से हासिल करने के बाद जामे बलोचिस्तान से अंग्रेजी में मास्टर्स किया और जमाने तालब इल्मी में ही बाकायदा सियासत का आगाज किया। 2002 में पहली बार PP41 अवरान से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अब्दुल कुदूस बजिंजो 2002 से 2007 तक वजीर लाइव स्टॉक रहे। 2013 के आम इंतखाबात में जिला अवरान के हल्के PP41 से एक बार फिर रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अब्दुल कुदूस बजिंजो ने 2013 से 2015 तक बलोचिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फराइज अंजाम दिए। आम इंतखाबात में कलजम तंजीमों की धमकियों के बायस उन्हें सिर्फ 544 वोट मिले, जो मुल्क की तारीख में किसी भी सूबाई असेंबली के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवार के लिए कम तरीन वोट थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर मियारी पैकेट वाले दूध की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तमाम ब्रांड्स के टेट्रा पैक दूध के नमूने लेबोरेटरीज भेजने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये दूध नहीं, लोगों के साथ फ्रॉड है, हम अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री लॉचर बेंच ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पंजाब में से अब दूध में से यूरिया बिल सफा पाउडर निकाल दिया गया है। अदालत का ये कहना था कि सिंध हुकूमत सो रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के नाजिर को हुक्म दिया कि वो आज ही शहर भर में तमाम ब्रांड्स के टेट्रा पैक दूध से मुतालिक रिपोर्ट फराहम करें। अदालत ने 15 रोज के अंदर तमाम टेट्रा पैक दूध के नमूनों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने भैंसों को लगाए जाने वाले तमाम इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी।